हमने बहुत लास्ट क्लास में क्या करा था, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म करा था। एक बार रिफ्रैक्शन फिर से बता रही हूँ, थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ठीक है। बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है कि सपोज क्या है, ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्लास प्रिज्म बोलेंगे, ठीक है ना। ये जो ए है ये क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ए क्या होता है, एंगल ऑफ ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर इस प्रिज्म पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, अगर इस प्रिज्म पे एक रे ऑफ लाइट क्या होती है, इंसिडेंट होती है, तो ये हो जाएगी इसकी क्या, इंसिडेंट रे। ये क्या हो जाएगी इसकी, इंसिडेंट रे। इस पॉइंट पे जब आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे जब हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। इस ठीक पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब क्योंकि रे एरर मीडियम है और ये क्या है, डेंसर मीडियम है, तो ये जो रेट ऑफ लाइट है ये क्या करेगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हो जाएगी। ये जो रे ऑफ लाइट है ये क्या करेगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हो जाएगी। ये फिर से क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस दूसरे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग फिर से क्या ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इस दूसरे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग फिर से क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब क्योंकि ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये कहाँ बेंट होगी, ये रे ऑफ लाइट बेंट होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कुछ इस तरीके से। तो जब एक ग्लास प्रिज्म से लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो वो इस तरीके से होती है। अगर ये ग्लास प्रिज्म ना होता, अगर ये ग्लास प्रिज्म ना होता, तो ये जो लाइट है ये कैसे चले जाती, ऐसी स्ट्रेट चली जाती। लेकिन क्योंकि ये ग्लास प्रिज्म था, क्योंकि ये ग्लास प्रिज्म था, ये ग्लास प्रिज्म नहीं होता तो ये कैसे जाती, ऐसे जाती। बट क्योंकि ग्लास प्रिज्म था इसलिए ये रे ऑफ लाइट कैसे गई, ऐसे, ठीक है। तो ये जो रे ऑफ लाइट है इसका पाथ क्या हो गया, चेंज हो गया। ये जो रे ऑफ लाइट है इसका पाथ क्या हो गया, चेंज हो गया। कितने एंगल से चेंज हुआ, इतने एंगल से। कितने एंगल से चेंज हो गया, इतने एंगल से। ये जिस एंगल से ये क्या हुआ, पाथ चेंज हुआ, इसे हम लोग कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं, डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या बताता है, कि लाइट अपने पाथवे से कितना चेंज हो गई। ये जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है ये किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। जैसे कहाँ पर होता है, रेड कलर में होता है, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो उसका डेल्टा क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और अगर वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा। जैसे कि किसके केस में होता है, वायलेट के केस में होता है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है, तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ज्यादा होता है, ओके। अब ध्यान रखने वाली बात कौन सी है, कि ये वाला जो मेरा एंगल होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे का, इसको हम लोग लिखते हैं I1, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, R1, इसको हम लोग लिखते हैं R2, और इसको लिखते हैं E, ठीक है ना। तो I1 इज ग्रेटर देन R1 और R2 इज ग्रेटर देन E, ये रिलेशनशिप तुमको क्या करके रखना है, ध्यान रखना है। तो दिस इज हाउ अ लाइट इज रिफ्रैक्टेड बाय अ ग्लास प्रिज्म। अब ये जो लाइट हमने यहाँ भेजी थी, ये जो लाइट हमने यहाँ भेजी थी, ये कौन से कलर की थी, रेड लाइट थी। यानी कि ये जो लाइट थी ये कैसी थी, मोनोक्रोमैटिक। कैसी थी, मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक मतलब क्या होता है, ये एक कलर की लाइट होती है। यानी कि ये जो लाइट होगी ये एक सिंगल वेवलेंथ होगी, ये क्या होगी, एक सिंगल वेवलेंथ होगी, ठीक है। लेकिन अगर इसकी जगह इस प्रिज्म से हम लोग व्हाइट लाइट भेजते, इसकी जगह इस प्रिज्म से हम लोग किसको भेजते, एक व्हाइट लाइट को भेजते, तो व्हाइट लाइट क्योंकि 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स की बनी होती है, क्योंकि व्हाइट लाइट किसकी बनी हुई रहती है, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स की बनी हुई रहती है, तो वो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में क्या हो जाती, ब्रेक हो जाती। तो अगर इस प्रिज्म से हम लोग क्या भेजेंगे, व्हाइट लाइट भेजते, अगर इस प्रिज्म से हम लोग क्या भेजते, व्हाइट लाइट भेजते, तो
तो ये जो वाइल्ड लाइफ है ये क्या करती, ये अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, जैसे कि वायलेट, ठीक है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में क्या हो जाती, ब्रेक हो जा। क्लियर है? ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह और ये सात। ये जो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स यहाँ पर आए हैं, ये जो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स यहाँ पर आए हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, विब्योर कहते हैं, VIBGYOR। और इस बैंड ऑफ 7 कलर्स को, बैंड ऑफ 7 कलर्स, बैंड ऑफ 7 कलर्स, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम। इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम। तो व्हाट इज स्पेक्ट्रम, इट इज द बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन्ड व्हेन लाइट पासेस, व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। और इस फिनोमिना को, कौन से फिनोमिना का, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन, इज नोन एज। तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्पर्जन बोलेंगे, जिसमें एक लाइट क्या करती है, अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो जाती है। बोलो कोई। जब हम लोगों ने यहाँ से व्हाइट लाइट क्या करी, भेजी, तो व्हाइट लाइट क्या हुई, हमारी नॉर्मल व्हाइट लाइट अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में क्या हो गई, ब्रेक हो गई। व्हाइट लाइट क्या हुई, अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो गई, इसने क्या करा, विबग्योर बना लिया, ठीक है ना, वायलेट, इंडिगो, पूरे रेड तक पूरी कहानी, ठीक है ना। अब जब यही लाइट यहाँ से क्या निकलेगी, डिफ्रैक्ट होके निकलेगी, क्या होके निकलेगी, डिफ्रैक्ट होके निकलेगी, और सामने हमारे पास क्या रहेगा, दूसरा प्रिज्म रहेगा, सामने हमारे पास क्या रहेगा, दूसरा प्रिज्म रहेगा। तो ये सातों कलर क्या करेंगे, रिकम्बाइन कर जाएंगे, ये सातों कलर क्या करेंगे, रिकम्बाइन कर जाएंगे, और रिकम्बाइन करके क्या दे देंगे, फिर से व्हाइट लाइट दे देंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे घुसी कौन सी लाइट थी, व्हाइट, ठीक है, स्प्लिट होके 7 कलर्स आए, विबग्योर वाले, ठीक है ना। अब ये जो विबग्योर के 7 कलर्स थे, ये वापस से क्या किए, रिकम्बाइन करके इन्होंने क्या दे दी, व्हाइट लाइट दे दी, ठीक है ना। दो इन्वर्टेड प्रिज्म्स, दो इन्वर्टेड प्रिज्म्स कैसे बिहेव करने लगते हैं, स्लैब जैसे, कैसे बिहेव करते हैं, स्लैब जैसे। तो जब हम लोगों ने एक इन्वर्टेड प्रिज्म यहाँ रखा था, तो वायलेट जितना टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हुआ होगा, वो यहाँ पर वापस से क्या हुआ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट हुआ। वैसे ही रेड जितना टूवर्ड द नॉर्मल बेंट हुआ होगा, उतना ही क्या हुआ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट हो गया। तो दो इन्वर्टेड प्रिज्म्स कैसे बिहेव करते हैं, ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि जो ग्लास स्लैब होता है वो लाइट को क्या नहीं करता, 7 कलर्स में स्प्लिट नहीं करता, लेकिन जो प्रिज्म होता है तो कर देते हैं। तो हम लोग बोलते हैं जो ग्लास स्लैब होता है, अगर आप उसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पर एक सीधा ट्राइंगल है और यहाँ पर क्या है, एक इन्वर्टेड ट्राइंगल है। तो यहाँ पर अगर आप व्हाइट लाइट भेजोगे भी, तो वो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक डाउन होगी, और वापस से ये 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स मिलकर क्या बना लेंगी, व्हाइट लाइट बना लेंगी। इज दैट क्लियर? अब जो रेनबो, रेनबो भी किससे बनता है, रेनबो कब बनता है, जब सन भी रहता है स्काई में और रेन शावर भी रहता है, ठीक है ना। तो वाटर की जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स रहती है एटमोसफेयर में, वो कैसे बिहेव करने लगती है, वो छोटे छोटे प्रिज्म की तरह बिहेव करने लगती है।
अब इन प्रिज्म्स में जब सनलाइट एंटर करती है, इन प्रिज्म्स में जब सनलाइट एंटर करती है तो वो अपने सेवन कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। और जब वो अपने सेवन कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक होके कहाँ से निकलती है, ड्रॉपलेट से बाहर निकलती है, तो क्या बनता है, रेनबो बनता है। आई बात समझ में? दो तरह के रेनबो होते हैं, एक होता है प्राइमरी रेनबो और एक होता है सेकेंडरी रेनबो। कभी कभी क्या होता है, जो रे ऑफ लाइट रहती है वो यहाँ ड्रॉपलेट से बाहर निकलने के बजाय, वो यहाँ ड्रॉपलेट से बाहर निकलने के बजाय वापस से ड्रॉपलेट के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। वैसे तो रिफ्रैक्ट होना है, मतलब ड्रॉपलेट से इनको कहाँ आना था, बाहर आना था, लेकिन ये क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि वापस से ड्रॉपलेट के अंदर चली जाती है। और फिर हमारे पास जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी रेनबो। क्या कहते हैं, सेकेंडरी रेनबो। जब लाइट रेज उसी ड्रॉपलेट के अंदर रिफ्रैक्ट होती है, जब लाइट रेज उसी ड्रॉपलेट के अंदर क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है, तो उस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए दो कंडीशंस चाहिए रहती है। पहली कंडीशन होती है लाइट शुड मूव फ्रॉम, लाइट शुड मूव फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ये पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल। मुद्दा ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है, मुद्दा क्या है कि ये जो हमने लिखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल, यहाँ पर क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच, फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, इज 90 डिग्री। यानी कि सपोज हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक मीडियम है, हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक मीडियम है, ठीक है ना। अब ये जो हमारे पास मीडियम है, ये इस मीडियम की क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। और यहाँ हमने एक रे ऑफ लाइट भेजी, हमने क्या भेजी, एक रे ऑफ लाइट, ठीक है। ये कैसा मीडियम है, डेंसर है, ये कैसा मीडियम है, डेंसर। ये कैसा है, रेयर है, यानी कि जाहिर सी बात है जो लाइट होगी वो कैसे बेंट होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये क्या हो गया मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये क्या हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। अब अगर सेम मीडियम के थ्रू मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ा दिया, अगर सेम मीडियम में ही मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो ये इसकी नॉर्मल है। अब यहाँ पर क्या है, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और जो मेरी लाइट रिफ्लेक्ट हुई, जो मेरी लाइट रिफ्रैक्ट हुई वो कैसे हुई, एच। यहाँ पे जो मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना हो गया, 90। यानी कि अगर अगर मैं एक डायग्राम और बन, तो ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल इज एन एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कितना, 90 डिग्री। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा और इधर शिफ्ट कर दूंगी, तो मेरी ये वाली जो रे है वो और इधर पे शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि फिर सीन कैसा होगा, फिर सीन कुछ ऐसा होगा, ये मेरा मीडियम का सेपरेशन, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कर दिया, और बढ़ा दिया। तो अब ये देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया और ज्यादा, तो अब लाइट अभी तक तो यहाँ आ रही थी 90 डिग्री पे, अब तो क्या आ जाएगी, इस मीडियम में वापस आ जाएगी। तो ये लाइट रिफ्रैक्ट होने की बजाय, ये लाइट रिफ्रैक्ट होने की बजाय क्या होने लग जाएगी, रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। और इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके दो बड़े प्यारे एग्जाम्पल होते हैं, एक होता है मिराज और एक होता है लूमेन।
मिराज में क्या होता है कि जब हम लोग रोड पे जाते हैं बहुत गर्मी में, तो दूर सड़क पे हम लोग को पानी दिखता है, या डेजर्ट में बहुत दूर हमें क्या दिखता है, पानी। पर वो पानी जब तक हम पास पहुंचते हैं वहां से उड़ जाता है, तो मतलब वो पानी होता ही नहीं है, हमें सिर्फ दिखता है दिखता है। आ रही है बात समझ में? और इसी को उल्टा फिनोमिना बहुत, तो मिराज कहाँ दिखता है, जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। गर्मी ज्यादा होने का रीजन क्या रहता है, जो लाइट रहती है वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है, डेंसर टू रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है, मतलब सन से जो लाइट आती है, ऊपर की लेयर क्या रहती है, ठंडी रहती है, धरती के कॉन्टेक्ट में जो लेयर रहती है वो क्या होती है, बहुत गर्म होती है, इसलिए वो डेंसर टू रेयर ट्रेवल करती है। सिमिलरली लूमिंग हमको दिखता है उल्टा, बिल्कुल ठंडे रीजन में, जो शिप रहता है जो बहुत ठंडे ओशंस वगैरह में घूमता है वो हमको बहुत दूर से देखे, तो शिप कैसा दिखता है, हवा में, जबकि चलता वो कैसा होता है, पानी में। ये इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूमिंग कहते हैं। ये दोनों किसके एग्जाम्पल होते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। क्लियर है? देखो जैसे ये डेजर्ट वाला, यहाँ पर बहुत गर्मी होती है, ठीक है ना, तो जो ये सैंड के कांटेक्ट में जितनी भी लेयर रहती है ये बहुत इंटेंसली हीट हो जाती है, इसलिए ये रेयर मीडियम बन जाती है। अब पेड़ से जब एक रे ऑफ लाइट निकलती है, तो वो कहाँ से जा रही है, डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर, डेंसर से लेयर, डेंसर से रेयर। एक पॉइंट आता है जब यहाँ पर क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रहता है वो क्या होता है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, और क्योंकि वो क्रिटिकल एंगल से क्या होता है, बड़ा हो जाता है, तो ये लाइट इसी डायरेक्शन में क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है जहां से आ रही थी। तो अगर कोई बंदा यहाँ से देख रहा है तो उसकी तो इमेज कैसी बनेगी, उसको तो स्ट्रेट लाइन में देखने की आदत है, तो ये पेड़ उसको कहाँ दिखेगा, इधर पे दिखेगा, ठीक है, तो उसको लगेगा कि पेड़ की क्या है, शैडो है, जो कहाँ बन रही है, पानी में बन रही है, पेड़ की जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, पानी में, तो इसलिए बंदे को लगता है कि ये क्या है, पानी है। अब ये तो डेजर्ट की कहानी है कि आपको ऐसा सीधा पेड़ भी दिखता है और उल्टा पेड़ भी दिखता है, तो आपको लगता है वहां कहीं पानी होगा, तो इस पानी में पेड़ का क्या आ रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है ना। और रोड पे क्या होता है, तुमको स्काई की इमेज बनती हुई दिखती है, स्काई मतलब क्या, आगे का जो रोड रहता है वो चमचमाता दिखता है, बहुत शाइनिंग शाइनिंग सा दिखता है, तो हमें लगता है क्या कि वो पानी गिरा हुआ है वहां पे और किसी चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जबकि वो पानी नहीं होता है, वो सिर्फ क्या होता है, मिराज होता है, ठीक है, वो लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों में एंटर करती है, ठीक है। लूमिंग जो फिनोमिना रहता है ये ठंडी जगहों पर होता है, जैसे ये शिप है, तो ये जो पानी होगा ना ये ठंडा रहता है, और ऊपर जो पानी के कॉन्टेक्ट में लेयर्स भी है वो भी क्या होती है, ठंडी होती है, और जो ऊपर वाली जो लेयर्स रहती है वो क्या होती है, गर्म होती है। अब जैसे ये वाला एक शिप है, इधर से जब लाइट आएगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होगी, और फिर जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अंडरगो करेगा, मतलब कोई बंदा जो क्या कर रहा है, इस वाले शिप पे बैठा है, उसे ये वाला शिप पानी में ना दिखते हुए कहाँ दिखेगा, उल्टा हुआ हवा में, और क्या ये सच में दिखता है, तो जवाब है क्या, हाँ, इसको हम लोग लूमिंग कहते हैं। क्या कंसेप्ट क्लियर है? सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दो, पहला व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, दूसरा व्हाई डू प्लैनेट्स नॉट ट्विंकल, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, ट्विंकल मतलब होता है कभी ब्राइट दिखते हैं और कभी डिम दिखते हैं, फिर ब्राइट दिखते हैं और फिर डिम दिखते हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा जो स्टार्स होते हैं, सबसे पहले पहली बात इस आंसर में लिखोगे कि अर्थ से बहुत ज्यादा क्या होते हैं, दूर होते हैं, ये क्या होते हैं, अर्थ से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अर्थ से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, तो दे आर कंसिडर्ड एज पॉइंट सोर्सेस ऑफ लाइट, मतलब एक छोटा सा पॉइंट सोर्स है लाइट का। आ रही है बात समझ में? जब लाइट जो किसी स्टार से आती है वो अर्थ के एटमोसफेयर में एंटर करती है, तो वो क्या करती है, अर्थ के एटमोसफेयर के अलग अलग लेयर्स पे क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है, क्योंकि कहीं पर डेंसिटी ज्यादा है, कहीं पर डेंसिटी कम है। आ रही है बात समझ में? अब कभी अगर लाइट रिफ्रैक्ट हो गई हमारी आंखों में डायरेक्ट आए, तो हमें वो स्टार कैसा दिखेगा, ब्राइट दिखेगा, कभी वो रिफ्रैक्ट होकर हमारे पास नहीं आई, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्रैक्ट हो रही है, तो वो स्टार मुझे क्या दिखेगा, डिम दिखेगा, ठीक है, हमारी तरफ आएगी तो ब्राइट दिखेगा, हमसे दूर जाएगी तो क्या दिखेगा, डिम दिखेगा। तो स्टार की लाइट चेंज नहीं होती, सिर्फ क्योंकि अर्थ की अलग अलग लेयर है, अलग अलग लाइट क्या करती है स्टार की, बार बार रिफ्रैक्ट होती है, तो जब मेरी आंखों में डायरेक्टली लाइट एंटर करेगी तो मुझे वो कैसे दिखेगा, ब्राइट दिखेगा, और जब रिफ्रैक्ट होके करेगी तो क्या दिखेगा, थोड़ा सा डिम दिखेगा, तो मुझे स्टार कैसा दिखेगा, ट्विंकल करता हुआ दिखेगा। प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते,
तो प्लैनेट्स ट्विंकल इसलिए नहीं करते क्योंकि जैसे हमने स्टार को बोला, स्टार हमसे बहुत ज्यादा दूर होते हैं, प्लैनेट्स हमसे उतने ज्यादा दूर नहीं होते जितने कौन होते हैं, स्टार्स, पहली बात। दूसरी बात, जो प्लैनेट्स होते हैं, जो क्या होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं वो पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट नहीं होते, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स मतलब पास में होते हैं, तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट है। तो जो प्लैनेट्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, बड़े ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। यानी कि सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं एक स्टार की बात करूं तो हम लोग स्टार को कैसे देखते हैं, लाइट जो स्टार से आ रही है ये है स्टार। ये स्टार कैसा है, एक छोटा सा पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये अर्थ से बहुत दूर है। आ रही बात समझ में। और ये है प्लैनेट, क्योंकि ये अर्थ के पास है, क्योंकि ये प्लैनेट क्या है, अर्थ के पास है, तो इसके अंदर स्टार जैसे बहुत सारे छोटे 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 पॉइंट सोर्सेस ऑफ लाइट। आ रही बात समझ में। तो जब स्टार की जो वो है लाइट है वो किस पर आएगी, अर्थ के एटमोसफियर पे आएगी। जब स्टार की लाइट कहाँ पर आएगी, अर्थ के एटमोसफियर पे आएगी, और कोई बंदा यहाँ से स्टार को देख रहा है, ठीक है। तो ये मल्टीपल टाइम क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, इधर पे रिफ्रैक्ट होगी, इधर पे रिफ्रैक्ट होगी। तो जब लाइट इधर पे आ रही है तो स्टार क्या दिखेगा, ब्राइट दिखेगा। जब यही लाइट इधर पे आ रही है तो क्या दिखेगा, डिम दिखेगा। या हो सकता है ये इधर पे से आ जाए एक लाइट, या हो सकता है इधर पे से आ जाए एक लाइट। आ रही है बात समझ में। तो तभी ये स्टार कैसा दिखेगा, डिम दिखेगा। लेकिन प्लैनेट से अगर ये एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है और यहां से लाइट क्या आ रही है, यहां से लाइट क्या आ रही है, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंट होकर आ रही है आंखों में, तो यहाँ ये वाले पॉइंट की क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द हो जाएगी। इधर वाली टूवर्ड्स हो जाएगी, इधर वाली अवे हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट है। तो यहाँ पर जो नेट रिफ्रैक्शन होता है, क्या होता है, नेट वो जीरो होता है। और क्योंकि यहाँ पर नेट रिफ्रैक्शन जीरो होता है, इसलिए हमको प्लैनेट ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते। इज दैट क्लियर। अब हायर देन दे एक्चुअली आर। अब हम लोग बोलते हैं अर्थ का जो एटमॉस्फेयर रहता है इसमें क्या होता है, बहुत सारी लेयर्स होती है। क्या होती है, बहुत सारी लेयर्स होती है, और हर एक लेयर पे लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। हर एक लेयर पे लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। तो सपोज एक स्टार से एक रे ऑफ लाइट आ रही है, सपोज एक स्टार से क्या हो रहा है, एक रे ऑफ लाइट आ रही है, तो वो हर लेयर पे क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। वो क्या होगी, हर लेयर पे क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट होगी। तो जब हर लेयर पे रिफ्रैक्ट होते होते ये स्टार की लाइट हमारी आंखों तक आएगी, तो क्योंकि आंखों की क्या टेंडेंसी होती है कि हम लोग कैसे देख पाते हैं, हमेशा स्ट्रेट लाइन में। हम लोग कैसे देखते हैं, हम लोग स्ट्रेट लाइन में। तो जब उतना ही डिस्टेंस हमारी आंखों की लाइट कहाँ करेगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। तो ये जो स्टार यहाँ पर है ये मुझे कहाँ दिखेगा, थोड़ा सा ऊंचा दिखेगा। दैट मीन्स Stars appear higher than they actually are. Is that clear?